हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। आई एम अंकित। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन आवर कंट्री देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। द अपर हाउस विच इज कॉल्ड राज्यसभा एंड द लोअर हाउस विच इज कॉल्ड लोकसभा। सो व्हाट टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट राज्यसभा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्टडी एकेडमी में एक बार फिर दोबारा से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए चुन करके आते हैं अलग अलग राज्यों से, तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन भी कहा जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दो तरह के सदन होते हैं, एक उच्च सदन और दूसरा निचला सदन जिसको लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन राज्यसभा होता है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लोकसभा यानी कि जहाँ से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन करके आते हैं वो लोकसभा है। जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, उनको इनडायरेक्टली उनका चुनाव होता है। जो लोगों द्वारा चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और विधायकों को, एमएलए को, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को ये अधिकार होता है कि लोगों के वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए एक वोट वो डालते हैं। और वो एक वोट अलग अलग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए वोट देते हैं। तो द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा कि जो मेंबरशिप होती है, अभी फिलहाल में वैसे तो भारतीय संविधान के अंदर 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। पर अभी फिलहाल के लिए करंट में 245 मेंबर राज्यसभा में हैं। जहाँ तक मेंबरशिप की बात है राज्यसभा के लिए, तो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि 250 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए रखी गई है। पर करंट की यदि बात करें, प्रेजेंट में 245 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए हैं, जिसमें से कि 233 मेंबर चुन करके आते हैं और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और राष्ट्रपति को लगता है कि उनके पास में काफ़ी नॉलेज है, तो वो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ अपने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है और उन्हें राज्यसभा में भेज सकता है। राज्यसभा के लिए चुने जाने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते, उनके चुनाव में राज्यों के विधानसभा में जो विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उनको अधिकार होता है, वो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं और वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात होती है, मैंने आपको बताया कि 12 मेंबर को राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति को लगता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है खास किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर सकता है। तो इस तरह से आर्ट के लिए, लिटरेचर्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल सर्विस के लिए, स्पोर्ट के लिए मेंबर्स को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। पर ये जो मेंबर होते हैं इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी संविधान में की गई है। राज्यसभा के यदि हम टर्म की बात करें तो जो इसका समय काल है वो 6 साल का है,
क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसके हर 6 साल के अंदर 6 साल में इसके पूरे मेंबर्स जो हैं वो बदल जाते हैं, जैसे कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं या 1/3 सदस्य बदलते जाते हैं। तो यो जो 1/3 सदस्य बदलते हैं वो हर 2 साल के अंदर बदल जाते हैं। सो मेंबर सिट फॉर स्टैगर्ड 6-year term विद 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 years इन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा हमेशा सेशन में रहता है, इसको विघटन नहीं किया जाता है जैसे कि लोकसभा में होता है कि समय के साथ में लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है लोकसभा की तरह। तो द राज्यसभा मीट इन कंटिन्यूस सेशन एंड अनलाइक द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। बिल्कुल लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को भी के सत्र की शुरुआत जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाउ एवर द राज्यसभा लाइक द लोकसभा कैन बी प्रोलॉग्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि उनकी उन्हें देश का नागरिक होना चाहिए, उनके पास देश की सिटीजनशिप होनी चाहिए, 30 साल की कम से कम उनकी एज होनी चाहिए, और इस तरह की जो जो क्वालिफिकेशन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की राज्यसभा के लिए होनी चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्था क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 84 के अंदर की गई है। आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको अभी ही बताया कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों की विधानसभा से चुन करके आते हैं, और जहां यूनियन टेरिटरीज में भी इसी तरह की व्यवस्था होती है। तो हर राज्य की विधानसभा से वहां के जो एमएलए हैं वो एक वोट वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए देते हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली राष्ट्रपति राज्यसभा का चुनाव होता है। तो इस तरह से राज्यसभा का चुनाव होता है। जो 12 मेंबर्स जिनको राष्ट्रपति चुनता है वो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशल नॉलेज उनके पास में रहता है उस पर्टिकुलर एरिया का, जिसमें कि आर्ट साइंस स्पोर्ट और लिटरेचर सभी शामिल हैं। सो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैविंग स्पेशल नॉलेज इन वेरियस एरिया लाइक आर्ट साइंस एंड स्पोर्ट एक्सेट्रा। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मैंने आपको अभी ही बताया था कि उनको ये अधिकार नहीं होता है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकें। इस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में की गई है। सो द नॉमिनेट मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज पर आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आज हमने राज्यसभा के बारे में जाना कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा के लिए चुन करके आते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनको किस तरह से उनका चुनाव होता है, उनके चुनाव में मेंबर ऑफ जो हर राज्य की विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो भाग लेते हैं, और 2 सदन की जो व्यवस्था की गई है उसका कारण ये है कि देखिए, कि जब किसी भी कानून को बनना होता है तो उसका बिल जो आता है पहले तो वो किसी भी एक सदन में आएगा, इसके बाद वहाँ से दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। जब दोनों ही सदन इस पे एग्री हो जाते हैं तो वो बिल फिर आखिरी में राष्ट्रपति के पास में जाता है और फिर वो एक्ट बन जाता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ, साइन के साथ ही वो बिल एक्ट बन जाता है। तो ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में इसलिए की गई कि किसी भी बिल को अच्छी तरह से या जो भी कानून बन रहे हैं उनको अच्छे से उसकी जांच परख हो सके। तो दोनों ही जब सदनों में ये
बहस होती है तो फिर एक अच्छा बिल और अच्छा कानून निकल करके फिर सामने आता है, इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आज हमने राज्यसभा को जाना, एक नए वीडियो में आगे हम एक नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे।